नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पेट केयर में। दोस्तों, बारिश का मौसम शुरू हो गया है और बारिश के मौसम के अंदर एक छोटी सी समस्या भी आ गई है। जो भी लोग डॉगी पाल रखे हैं उनके सभी के साथ में आ गई है ये, और उस समस्या का क्या समाधान है उसी पे मैं ये छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप अपने डॉगी का कैसे ध्यान रख सकते हैं इस बारिश के मौसम में। दोस्तों, डॉगीज के अंदर क्या है, जानवर हैं तो इसलिए बारिश के मौसम में इनमें अजीब सी स्मेल आने लग जाती है जो सभी डॉगी के अंदर आती है, एक की नहीं सभी डॉगीज के अंदर आती है। तो उसका हम किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं उसी पे मैं वीडियो बना रही हूँ। कई लोग क्या करते हैं, उसमें जो खुद परफ्यूम यूज में लेते हैं वो ही छिड़क देते हैं कि इसमें स्मेल नहीं आए, क्योंकि घर में रखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो स्मेल तो आएगी। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना परफ्यूम डाल देते हैं, पाउडर डाल देते हैं, कोई ऐसे एक्स्ट्रा जो अपन यूज में लेते हैं वो चीजें डाल देते हैं। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, ये देखिए, इस तरीके से ब्रश है। ब्रश सभी के पास में होता है जो डॉगी पालते हैं, क्योंकि जो डॉगी रखते हैं उनका सामान भी रखना ही पड़ता है। इस तरीके से ब्रश करके ये देखिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए। अगर डॉगी पालते हैं तो उसके प्रति हमारी थोड़ी सी जिम्मेदारी भी हो जाती है, उसका भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा ध्यान रखना हो जाता है। ये देखिए, हमारे तो कच्चा है तो थोड़ी मिट्टी विट्टी हो ही जाती है। अरा खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो बेटा, खड़े हो, जो खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, शाबाश, खड़े हो जाओ। ये देखिए दोस्तों, ये है ना, गुस्सा हो रही है थोड़ा सा, इसलिए नहीं मान रही है। इधर देखो, खड़े हो जाओ, खड़े हो बेटा, खड़े हो, खड़े हो, शाबाश, वेरी गुड, हमारी तारा बहुत अच्छी है। ये देखिए, इस तरीके से आप ब्रश से अपने डॉगी के ये जो हेयर हैं इनमें ब्रश कर दीजिए, ताकि जो डेड बाल हैं वो निकल जाएंगे। हम इसका ब्रश करते रहते हैं तो ज्यादा नहीं है डेड बाल इसके। आपके पास भी डॉगी है तो आप भी इस तरीके से ब्रश करके इस तरीके से, ये डॉगीज के अलग से परफ्यूम आते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये रोज का है, मुझे रोज का परफ्यूम अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये ही लिया है। और आप इसके डॉगीज के मार्केट के अंदर बहुत सारे परफ्यूम मिलते हैं, आपको जो पसंद हो वो ला सकते हैं। और इस तरीके से ये परफ्यूम डाल दीजिए, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। इससे क्या है, ये केवल डॉगीज के लिए ही बनाए जाते हैं तो इसमें इनका कोई इन्फेक्शन नहीं होता है और अच्छी स्मेल भी आती है और हमारे डॉगीज भी हैप्पी हैप्पी रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने हमारी क्यूटी पाई पे ये परफ्यूम छिड़क दिया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये हब हमारे घर में चारों तरफ घूमती रहती है। तो ये देखिए दोस्तों, छोटा सा वीडियो मैंने बनाया कि बारिश में आप अपने डॉगी का किस तरीके से ध्यान रखें ताकि वो थोड़े से खुश भी रहे और हमें भी अच्छा लगे। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।